सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे आज रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सोराब में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम होगा। तो ताबड़तोड़ दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के आज मिर्जापुर के दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दर्शन के बाद विंध्य कॉरिडोर का करेंगे निरीक्षण। और जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिलने वाले हैं। एक दिन में कई दौरे, लगातार दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के देखने को मिल रहे हैं, साथ ही सौगातों को देने का सिलसिला भी जारी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से लगातार 2024 के चुनावों की सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री और सरकार भी अपनी स्तर से तैयारी कर रही है और उससे लग रहा है कि जल्द से जल्द जनता से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं वो जमीन पर उतारी जाएं और जनता को सौगातों के माध्यम से ये बताया जाए कि सरकार सिर्फ उनके लिए ही कार्य कर रही है। और ये प्रयास योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन उसमें अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए 75 जिलों में, जनपदों में जाना और उनसे बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं उनको जल्दी जल्दी, उनकी जो परियोजनाएं हैं उन्हें पूरा अगर हो चुकी हैं तो उन्हें सौगात देना है, और नहीं तो वहाँ की जो जरूरतें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको आधारित जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास करके मुख्यमंत्री जनता के बीच में अपनी बात रखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सरकार सौंपी जाए, केंद्र में पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसी के तहत वो LDC कॉलेज में मैदान उतरेगा हेलीकॉप्टर, वहाँ मेवालाल कॉलेज मैदान में एक सभा होगी जहाँ अनुसूचित मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम। इसके बाद फिर प्रयागराज को भी 800 करोड़ की सौगात देंगे, वहाँ भी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे और छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप की जो बात है वो भी दिया जाएगा। उनके कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे 50 दिन और हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। लगभग 16 जिलों के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में बुलाया गया है। तमाम ऐसी जो योजनाएं हैं और कार्यक्रम वो जल्द से जल्द पूरा करने की सरकार पर भी काफी दबाव है। बिल्कुल अभिजीत, जिस तरीके से आपने कहा कि समय कम बचा है, निश्चित तौर पर आगामी चुनाव को लेकर के समय कम बचा है और ऐसे में दौरों में जो तेजी देखी जा रही है, क्या उम्मीद की जाए आने वाले समय में इस तेजी में और भी इजाफा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनका भी जनपदियों में दौरा लगेगा। तमाम ऐसे जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके माध्यम से भी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी और जल्द ही प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तरीके पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं केंद्र सरकार के, उनको भी जगह जनपद जनपद भेजा जाएगा और योजनाओं की सौगातों का शिलान्यास कराया जाएगा और बताया जाएगा कि केंद्र सरकार आपके लिए कार्य कर रही है। बहुत शुक्रिया विजय जोड़ने के लिए इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे हैं आज। आपको बता दें कि इन दौरों में करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे।